फुटबॉल दुनिया का सबसे ज्यादा मशहूर खेल है और ऐसे मशहूर खेल का सबसे बड़ा इवेंट है फीफा वर्ल्ड कप, जो इस साल 2022 में पश्चिम एशिया के देश कतर में हो रहा है। फीफा 20 नवंबर से बड़े ही धूमधाम के साथ शुरू हो चुका है, पर कतर में हो रहे इस वर्ल्ड कप पर 12 साल से कई दाग लगे हैं और ये दाग अच्छे नहीं हैं। लेबर राइट्स, एलजीबीटी समुदाय, ह्यूमन राइट्स से लेकर भ्रष्टाचार तक के आरोप कतर पर और फीफा पर लग रहे हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या है कतर के इर्द गिर्द घूम रहे विवाद, क्या है फीफा में भ्रष्टाचार का इतिहास और क्यों इस सब के बावजूद दुनिया को इश्क है इस खेल से जिसका नाम है फुटबॉल। तो आइए शुरू करते हैं। The 2022 FIFA World Cup is Qatar. कतर में हो रहा वर्ल्ड कप अब तक का सबसे महंगा वर्ल्ड कप है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो $228 बिलियन इस वर्ल्ड कप में खर्च होने वाले हैं। इससे पहले 2018 का रशिया वर्ल्ड कप सबसे महंगा था और उसमें खर्च हुए थे $16 बिलियन। $228 बिलियन की इस रकम को ऐसे समझ लीजिए कि ग्रीस की GDP 2021 में $221 बिलियन की थी। इस वर्ल्ड कप पर सबसे बड़ा दाग इसमें खर्च हो रहे पैसों की वजह से भी लग रहा है। बहरहाल वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है। ओपनिंग सेरेमनी में मॉर्गन फ्रीमैन, BTS, डेविड बेकहम जैसे बड़े नाम शामिल रहे, पर आपको ले चलते हैं 2010 में जब इस बवाल की शुरुआत हुई थी। तब फीफा के प्रेसिडेंट थे सेप ब्लैटर। सेप फीफा के 8वें प्रेसिडेंट थे जिन पर 2015 से 2027 तक के लिए प्रतिबंध लगा हुआ है। 2010 में एंगोला में सेप ब्लैटर ने ऐलान किया कि 2022 का वर्ल्ड कप कतर में होगा। सिर्फ 30 लाख की आबादी वाले कतर ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को पीछे छोड़कर इस बिड को अपने नाम कर लिया था। कतर खुश था, मगर बाकी सभी देश इससे नाखुश भी थे और इस फैसले की आलोचना भी कर रहे थे। फीफा की एग्जीक्यूटिव कमिटी में 24 लोग थे जिनको इस बिड में वोट करना था। उसी वक्त सामने आई एक विसिल ब्लोअर फेडरा अलमाजिद, जिन्होंने आरोप लगाया था कि कतर के लिए बिड कैंपेन के हेड अल थवादी ने एक होटल रूम के अंदर 24 में से 3 वोटर्स को उनके वोट के बदले $1.5 मिलियन दिए थे। हालांकि 2017 में छपी एक जांच रिपोर्ट में यह दर्ज किया गया था कि अलमाजिद के दावे झूठे और मनगढ़ंत थे। 2015 में सेप ब्लैटर समेत फीफा के कई बड़े अधिकारियों पर मुकदमा चला और उन पर भ्रष्टाचार समेत ऐसी धाराएं लगाई गईं जो मेक्सिको के ड्रग कार्टेल्स पर लगाई जाती हैं। उसी के बाद से सेप पर प्रतिबंध लगा हुआ है। कतर को वर्ल्ड कप होस्ट करने का मौका मिला, मगर सवाल यही था कि इतना छोटा देश फुटबॉल का सबसे बड़ा इवेंट कैसे होस्ट करेगा। वजह थी कि ना तो कतर के पास ऐसे स्टेडियम थे, ना खिलाड़ियों और दर्शकों को ठहराने के लिए होटल्स का इंतजाम था। कतर ने 2010 में बताया था कि वो 12 स्टेडियम तैयार करेगा। इन 12 में से 9 स्टेडियम एकदम नए बनाए जाएंगे और 3 को रेनोवेट किया जाएगा। आलोचना की एक और बड़ी वजह थी कतर का तापमान। फीफा वर्ल्ड कप हर बार मई से जुलाई के बीच होते थे। इस बीच कतर का तापमान 45 से 50 डिग्री तक चला जाता है। 2015 में कतर ने काफी मशक्कत के बाद वर्ल्ड कप की टाइमिंग को नवंबर का करवाया था, लेकिन इस दौरान भी वहां का तापमान 25-26 डिग्री सेल्सियस का है। इसके बाद शुरू हुआ स्टेडियम होटल बनने का काम, जिनके बारे में बड़े अखबारों और टीवी चैनलों का कहना है कि ये स्टेडियम जहां फुटबॉल के मैच हो रहे हैं उसकी बुनियाद में हजारों प्रवासी मजदूरों का खून है। द गार्जियन की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 2010 से 2020 तक कतर में 6,500 से ज्यादा प्रवासी मजदूर अपनी जान गंवा चुके हैं। ये मजदूर नेपाल, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका के थे। आपके खुद के घरों में ऐसे कोई मामा चाचा जरूर होंगे जो कतर, सऊदी अरब जैसे देशों में नौकरी करने गए हैं या जाने वाले हैं। कतर पर लेबर कानूनों से जुड़े मामलों में कई आरोप लगते रहे हैं। मजदूरों की सुरक्षा, सुविधाओं, रहने की अवस्था पर कई सवाल या निशान खड़े होते हैं। द गार्जियन की इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि दिसंबर 2010 के बाद से हर हफ्ते 12 मजदूरों की मौत हुई है। जानकार मानते हैं कि इन मौतों की वजहों में गर्मी में काम करने की वजह से दिल की बीमारी, सुरक्षा सुविधा ना होने की वजह से हुए हादसे शामिल हैं। मगर कतर में जो इन देशों की एम्बसीज हैं उनमें से ज्यादातर को नेचुरल डेथ बता दिया गया है। नेचुरल डेथ आमतौर पर तब बता दी जाती है जब लाशों की ऑटोप्सी ना करवाई जाए। इस वर्ल्ड कप में यह भी कहा जा रहा है कि कतर स्पोर्ट्स वॉशिंग कर रहा है। अब स्पोर्ट्स वॉशिंग क्या है? स्पोर्ट्स वॉशिंग एक टर्म है जिसका मतलब है कि कोई देश खेल का सहारा लेकर अपनी राजनीतिक और मानवीय कमियों को या कुकृत्यों को छुपा सके। कतर में करीब 12 लाख प्रवासी मजदूर हैं जो भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और फिलीपींस से वहां गए हैं। ये प्रवासी मजदूर कुल लेबर फोर्स का 94% है, यानी एक कतरी नागरिक पर 5 प्रवासी मजदूर इस देश में हैं।
इन मजदूरों में से ज्यादातर घरों में काम करने वाले और लो स्किल्ड वर्कर्स हैं। कतर की पूरी आबादी का 85% हिस्सा गैर कतरी लोगों का है और इसकी आबादी में सिर्फ 25% महिलाएं शामिल हैं। द गार्जियन की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कई प्रवासी मजदूर जो इन देशों से गए थे उनका वहां से निकलना बेहद मुश्किल था। उनके पासपोर्ट्स ले लिए जाते थे, उनको रिजाइन करने की सुविधा नहीं थी और रहने के लिए डॉर्मेट्री जैसी जगहें दी गई थीं जहां एक छोटे से कमरे में 12-12 लोग रहते हैं। ये सब हो रहा था उस फीफा वर्ल्ड कप के लिए जो 20 नवंबर से कतर में शुरू हुआ है। कतर में कफाला सिस्टम को लेकर भी बड़ी बातें की जा रही हैं। कथित तौर पर कफाला सिस्टम 2016 से कतर में बंद है। आइए जानते हैं कि कफाला सिस्टम है क्या। कफाला सिस्टम के तहत अगर किसी को कतर में कोई काम करना है, जाकर काम करना है, तो उसके लिए एक स्पॉन्सर तय किया जाता है। यह स्पॉन्सर एक कंपनी या एक इंडिविजुअल हो सकता है। इस स्पॉन्सर को कफील कहा जाता है। इस कफील को नौकरी करने वाला शख्स एक तय अमाउंट देगा, यानी उस देश में रहकर काम कर पाने का किराया देगा। अगर कोई बड़ी कंपनी MNC में काम करने वाला है, उसका कफील कोई कंपनी ही होगी और उसके लिए रास्ता थोड़ा आसान होता है। लेकिन अगर कोई टीचर या लेबर फोर्स में काम कर रहा है तो उसके लिए काफी मुश्किलें होती हैं। ये कफील मजदूरों के अधिकारों का हनन करते हैं, उनका पासपोर्ट ले लेते हैं, वगैरह वगैरह। इन विवादों के अलावा कतर में हो रहे वर्ल्ड कप में कई चीजें बैन हैं, कई रोक टोक भी हैं। वर्ल्ड कप शुरू होने से तुरंत पहले ऐलान हो गया कि फीफा के स्टेडियम में और आसपास बियर या शराब पर बैन रहेगा। इसके साथ ही LGBTQ यानी समलैंगिक समुदाय के बारे में कतर के पूर्व कैप्टन और फीफा एम्बेसडर खालिद सलमान का वो बयान भी है जिसमें उन्होंने कहा था कि होमोसेक्सुअलिटी दिमाग में एक डैमेज की तरह है। कतर के अधिकारियों ने हालांकि कहा है कि उनके देश में हर किसी का स्वागत है, लेकिन उनके कल्चर का ख्याल रखा जाए। LGBT समुदाय पर इस हमले के खिलाफ कई देशों के फुटबॉल कैप्टन्स ने मैच के दौरान विरोध दर्ज करने का भी फैसला लिया है। इंग्लैंड के कैप्टन हैरी केन, वेल्स के कैप्टन गैरेथ बेल मैच के दौरान विरोध के तौर पर सतरंगी बैज पहनेंगे, ऐसा ऐलान किया गया था। अब खबर है कि फीफा ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया है। इसके अलावा इन कैप्टन्स ने होमोसेक्सुअलिटी को नाजायज मानने वाले कतर के खिलाफ विरोध दर्ज करने का फैसला लिया है और बाकी देशों के भी कैप्टन्स हैं, उनके नाम ये हैं। फ्रांस के ह्यूगो लॉरिस, डेनमार्क के साइमन कायर, जर्मनी के मैनुअल नॉयर, स्विट्जरलैंड के ग्रेनिथ हाका, नेदरलैंड्स के वर्जिल वैन डाइक और बेल्जियम के एडिन हजार्ड। ये सब विवाद हैं जो वर्ल्ड कप के होस्ट नेशन कतर की एक मैली छवि पेश करते हैं। मगर सवाल ये भी है कि क्या ये पश्चिमी देशों की चाल है। फीफा के मौजूदा प्रेसिडेंट ने वर्ल्ड कप से ठीक पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया कि पश्चिमी देशों को कतर पर उंगली उठाने से पहले खुद को देख लेना चाहिए। कतर को पूरी तरह से डिफेंड करते हुए जियानी इन्फेंटिनो ने कहा कि वो खुद यूरोपियन है और यूरोपियन से जो 3000 साल तक किया है उसकी भरपाई के लिए अगले 3000 सालों तक उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। जियानी ने कहा है कि ये वर्ल्ड कप सबसे बड़ा होने वाला है। तो आपने देखा कि विवादों से भरा है कतर वर्ल्ड कप। कहीं इसे स्लेवरी का वर्ल्ड कप कहा जा रहा है, कहीं इसे पैसे का खेल कहा जा रहा है, लेकिन कई मायनों में वर्ल्ड कप सबसे अलग तो है ही। वेस्ट एशिया के इस्लामिक देश का पहला वर्ल्ड कप, वो देश जिस पर मानवाधिकार हनन के आरोप लगते हैं, लग रहे हैं और शायद लगते रहेंगे। हमने आपको कतर और वर्ल्ड कप से जुड़े सभी विवादों के बारे में बताया, लेकिन एक सच ये भी है कि दुनिया भर के करोड़ों फैंस इस खेल को देखेंगे, चीयर करेंगे और जश्न मनाएंगे। अब आप दर्शकों को ही तय करना है कि इस खेल के लिए जो आपका पसंदीदा है और जिस पर पैसे के लालच, मानवाधिकार हनन की वजह से कई दाग लग गए हैं, उन पर आपकी क्या राय है, क्योंकि आपसे हमने पहले भी कहा ही था कि ये दाग अच्छे बिल्कुल नहीं है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए newsclip.in। हमको सब्सक्राइब कीजिए, हमारा सब्सक्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखने के लिए शुक्रिया।